होगा। अबेल विश्व यादव को 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी मिल सकती है। गिरफ्तार राहुल से एल्विश का आमना सामना हो सकता है। एल्विश को नोटिस में एक हफ्ते का टाइम दे दिया गया है। सेक्टर 20 पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भेजा है, यानी कि पुलिस के सवालों का आमना सामना करना होगा। 5 आरोपियों को पुलिस की कस्टडी में भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ राहुल से अब एल्विश का सामना भी हो सकता है। एक हफ्ते का समय दिया गया है एल्विश को इस नोटिस में। सेक्टर 20 पुलिस ने नोटिस भेजा है। दानिश मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। दानिश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कल ये मामला कल रात में ट्रांसफर किया गया सेक्टर 49 से सेक्टर 20 थाने में, और जैसे ही थाना 20 ये मामला आया है तो उसी वक्त से ही जो कार्रवाइयों का दौर है वो शुरू हो चला है। नोटिस भेजा गया है एल्विश यादव को, बाकायदा 7 दिन के अंदर अपना पूछताछ के लिए बुलाया गया कि 7 दिन के अंदर का समय उसमें दिया गया है नोटिस में, 7 दिन के अंदर वो हाजिर हों और पूछताछ पुलिस उनसे करेगी। हालांकि पुलिस अभी भी कोर्ट में मौजूद है, जिला न्यायालय में मौजूद है, जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनकी रिमांड लेने के लिए। कितने दिन की रिमांड मिलती है और एल्विश यादव कब आता है, इन दोनों में काफी ज्यादा जो है चीजें देखनी होंगी, क्योंकि पुलिस का इरादा है कि हम क्यों ना राहुल और एल्विश को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करें। जाहिर सी बात है कोर्ट जितने दिन की रिमांड देगा उसी बीच में पुलिस का भी दबाव रहेगा कि पुलिस उसी बीच में एल्विश यादव को नोएडा बुलाए और राहुल के सामने पूछताछ करे, क्योंकि यही राहुल ही एक ऐसी कड़ी है जो एल्विश यादव की चीजें क्लियर कर सकता है कि एल्विश यादव से उसका रिश्ता है या फिर नहीं। जिस तरीके से पीएफए ने आरोप लगाया था कि एल्विश यादव को उन्होंने फोन किया, फिर एल्विश यादव ने राहुल का नंबर दिया, उसके बाद से ये सारी कहानी शुरू हुई। तो अब कनेक्शन क्या है, क्या वाकई में राहुल एल्विश यादव का काम देखता है नहीं देखता है, क्योंकि वीडियो जारी करके एल्विश यादव ने ये क्लियर किया था अपनी तरफ से कि मैं राहुल को नहीं जानता और इस पूरे कांड में उसका कोई भी दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो टिकी हुई है राहुल और एल्विश के कनेक्शन पे कि आखिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। लिहाजा दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर कोर्ट कितने दिन की जो है रिमांड देता है पुलिस को, क्योंकि अभी भी वहां पर इंस्पेक्टर। ठीक है दानिश, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए।